हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज का जो तारीख है वो था 4 तारीख, और सबको पता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष का है ये डेट। देन इस पे आज बात होगी, क्योंकि सबसे मेन बात आज की ये है जो हमारा मंडल है जो रिशफल हुआ है, और ये तीसरी बार हुआ है जो मोदी जी ने रिशफल किया है। और बेसिकली जहाँ तक आप लोग देखेंगे तो इसमें महिला सशक्तिकरण और बाकी सबको एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके बनाया गया है, बट अगर आप मेन इसका जो मकसद है वो चेक करेंगे तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये चुनाव को लेके, जो 2019 के चुनाव हैं उनको लेके बनाया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि हिंदू के आप लोग काफ़ी सारे ऑनलाइन सीरीज हैं जो डेली हिंदू के समरी कवर करते हैं, बट हमारा ये मकसद नहीं है। हमको ये मकसद है यहाँ पे आके कि जो हमारे करंट अफेयर्स जो स्टेट एग्जाम्स के आते हैं उसको हम लोग अपने इस पेपर से कैसे देखेंगे। तो चलिए, मजाक मजाक में अच्छे से बात करके हम लोग पूरा खत्म कर सकते हैं। तो जो पहला पेज है, सबको पता है जो मेन इसका वीडियो का मकसद है वो है कि जो मोदी कैबिनेट का तीसरा विस्तार जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको ये देखना है कि क्या, तो 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, इनमें से 9 राज्य मंत्री और 4 को मिला कैबिनेट में प्रमोशन, ठीक है, और नए में यूपी बिहार के दो दो, मध्य प्रदेश राजस्थान केरल कर्नाटक दिल्ली के एक एक। कल भी हम लोगों ने बात किया था कि छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं आया है। तो देखिए, ये बार बार सब उसी का है कि अभी भी 16 मंत्रियों के विभाग बदले हैं, केंद्र में आप 76 मंत्री हैं, तो ये आप याद कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल। अब प्रभु के बदले पीयूष, तो आप देखिएगा कि पीयूष गोयल जो हैं उनको अब रेल का मिला हुआ है, ठीक है, और गंगा क्लीनिंग की जो जिम्मेदारी है वो उमा भारती से हटा के नितिन गडकरी जी को दे दी है। तो ये सब आप देख सकते हैं। देन द मेन पॉइंट यहाँ पे आज ये बना हुआ है, सबसे मेन पॉइंट की जो हमको पहली महिला रक्षा मंत्री मिली है, ठीक है, तो उनका नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि निर्मला नाम है उनका, और ये जेएनयू से पढ़ी हुई है तो आपको उतना जरूरत नहीं है, पर पहली हमारी रक्षा मंत्री हैं महिला। हाँ, इसमें ये बात अलग आएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, हमको इम्पोर्टेंट क्या देखना है इसमें कि मंत्रियों की संख्या कहाँ कहाँ पे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश से 12 मंत्रियां हैं, मंत्री हैं, बिहार से 9, बाकी फिर मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र से 6-6। तो उत्तर प्रदेश बिहार तो याद कर लीजिए, सबसे कम जो है पंजाब और पश्चिम बंगाल में। अब क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारा भाजपा की पकड़ बहुत कमजोर है, क्योंकि पंजाब में बादल जी की सरकार चल रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, और सबको पता है कि छत्तीसगढ़ से भी कोई भी अभी तक आया नहीं है। तो अब इसमें आप लोग इतना ही पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देखे होंगे, मैं आपको कई सारे वीडियोस आएंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार, ये वो रिशफल, इतना जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता इतना, आप लोग को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सब चीज। तो जितना आपको पढ़ना है वो सिर्फ ये पढ़ना है कौन नया हुआ है, क्या नया पहली बार हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो टॉप जो 4 मंत्रालय होते हैं उसमें पहली बार 2 महिला मुख्यमंत्री, सॉरी महिला मंत्री हैं, जो कि आपको पता है कि विदेश में हमारी सुषमा स्वराज हो गई हैं, और अब हमारे रक्षा में निर्मला मैडम का जो है वो उनको नियुक्त किया गया है। तो बस दैट्स इट, ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना भी नाम है वो सब आपको छोड़िए कि राजस्थान, इसे यहाँ पे देखा आप लिखे होंगे कि अगले साल 4 चुनाव, ये जो छत्तीसगढ़ से कोई भी नहीं, यूपी बिहार में अगड़ी जातियों की तरजीह देने का समीकरण, सब कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कुछ मतलब नहीं आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसी पे आगे है कि प्रभु जो सुरेश प्रभु जी हैं उनको मोदी जी ने वाणिज्य दिया है, और ये मेक इन इंडिया पे लेके उनको दिया गया है, ठीक है। फिर जो 21 नए चेहरे आए हैं और 60 साल की उम्र से ज्यादा के हैं 10 लोग, औसत उम्र जो है 57 साल है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 76 में ये सबको देखिए, कोई जरूरत नहीं, बस ये देखिए कि जो हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं ये नए खेल मंत्री हैं,
ये अच्छी बात है कि एजुकेटेड भी हैं, प्लस आपके खेल पे से इनके, तो ये खेल से इनका संबंध पहले से है, तो ये थोड़ा ज्यादा इस पे काम कर सकेंगे, ऐसी आशा की जा रही है। आगे देखते हैं कैसा होता है। तो ये यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, आज के पेपर में आया है, तो मैंने आप लोगों के लिए इसको भी सरल भाषा में काम कर दिया कि मैंने इस विजन आईएएस के लिस्ट डाउनलोड कर ली है, और वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आपको बस लिंक में जाकर डाउनलोड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बिल्कुल भी हम लोग को टेंशन की बात नहीं है कि यहाँ से पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है। विजन आईएएस की मैंने एक देखी है, वहां से मैंने लिंक डाउनलोड करके आप लोग के दे दिया, बिल्कुल भी पैसे वाले नहीं है, सब फ्री है उसमें। तो दैट्स हाउ यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज ऐसे अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे लोगों हैं जिन्होंने 20-20 मिनट के वीडियो बनाए हुए हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है यार, ये बहुत छोटा सा चीज है, हमारे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सिर्फ यही पूछेगा पहले मंत्री कौन थे या अभी मंत्री कौन है, दैट्स इट। अब ये देखेंगे आप कि इसमें निर्मला सीतारमण का बात बताया है, जिसकी हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कि जेएनयू से पढ़ी हुई है, दैट्स इट। फिर आपके कुल महिलाओं में 66% कैबिनेट मंत्री हैं, तो जो कि 76 सदस्य मोदी मंत्रालय में 9 महिलाएं हैं, ठीक है, यानी 11.8%, और ये 6 कैबिनेट मंत्री हैं और 3 राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो कुल महिलाओं में 66% कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसे आपको याद करना है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं, शपथ ग्रहण कितने मिनट का हुआ था, कौन आया था कौन नहीं आया था, बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, ये सब आप देख सकते हैं एक बार कि कौन विदेश मंत्रालय के वो राज्य मंत्री हैं, कौन क्या है, दैट्स इट। फिर आ जाते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि गूगल ने 36 युवाओं को दिया हुआ है स्टार्टअप आइडिया होता है उनके लिए। तो देखिए क्या है, गूगल द्वारा राज्य की 36 स्टार्टअप कंपनियों को $20,000 का फ्री क्लाउड दिया गया, क्लाउड मतलब फ्री क्लाउड स्टोरेज रहता है, ठीक है। और इस पे हमको क्या करना है कि एक ये रहिए, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, विवेक ढांड जी जो मुख्य सचिव हैं इन्होंने बताया है, और इस मौके पर ACS उद्योग एन बैजेंद्र कुमार प्रमुख सचिव थे, ये सब को आप याद कर लीजिए, और दैट्स इट, इतना ही, उसके अलावा कुछ है नहीं। अब क्या करना है अपने को याद कि यहाँ पे देखिए कि इस मौके पर सीएम ने प्रदेश के पहले 36 INC इंक्यूबेशन सेंटर का भूमि पूजन किया, यह सेंटर प्रदेश के युवाओं उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर अपने स्टार्टअप आइडिया को विकसित करने का सहयोग करेगा। इस सेंटर में 200 से अधिक वर्क स्टेशन और लैब बनाए गए हैं, खत्म, इससे यार कुछ पढ़ना ही नहीं अपने को, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट बात हो गई है, कितने ही हुआ 36, किसने दिया, गूगल ने दिया, ठीक है। और विवेक ढांड जी ने क्या कहा कि थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, ये सब आप आंसर में डालिए, इतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोग कि मैं क्या बताऊं। देन अंबेडकर में डिवाइस लगाकर बंद किया हार्ट में खून का थक्का, तो ऐसे न्यूज आप पढ़ा करिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, बट ये बात है कि थोड़े बहुत ये न्यूज आते हैं जिसमें आपको थोड़े से साइंस पता चल जाता है, तो उसी के लिए न्यूज है, बाकी मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, बिकॉज उतना कोई नॉर्मल चीज है नहीं इसमें कि आप पढ़ के कोई इसका आंसर बनेगा, बस ये है कि खून का थक्का रोकने के लिए इसमें डिवाइस की, और ये सक्सेसफुल हो गया, और ये दाएं पैर की नस में से डाली गई डिवाइस, होता क्या है कि लोगों को 30% लकवा हार्ट के चैम्बर में खून का थक्का जमने से मारता है, तो इसलिए इस चीज को रोकने के लिए किया गया है, ठीक है। देन अभी देखिए मंत्रालय राजभवन में, जब उन्होंने कल न्यूज देखी थी यार आपको, सेम न्यूज, मतलब सेम न्यूज डाल दी है दैनिक भास्कर ने आज भी। तो देखिए ऐसा होता है कि ना क्या करते हैं ये लोग, एक दिन ना बस्तर के में डाल देंगे, एक दिन रायपुर के में डाल देंगे, एक दिन किसी और के में डाल देंगे, तो इसमें अब आप ये मत सोचिएगा कि आपको क्या फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है यहाँ पे, कैसे कि आप अपना कुछ रिवाइज कर रहे हैं एक दिन में, अगले दिन आपको पता है कि जो एन बैजेंद्र कुमार है वो NMDC के चेयरमैन और अशोक अग्रवाल को सूचना आयुक्त बनाए जाने के कारण ये पद खाली हो रहा है। वैसे सुबोध सिंह का नाम ऊर्जा के लिए भी सीएम के जहन में है, आवासीय आयुक्त के लिए विकासशील का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे कर करके पूरे चीज है अपने पास। वैसे इस समय भी रोहित यादव, रानी कांगले और संगीता के बतौर विशेष सचिव स्वतंत्र जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, करेक्ट। तो एक दिन में 2 बार रिवाइज हो गया,
बाकी मैं तो बैठा हूं यहाँ पे। फिर देखिए, उड़ीसा के आरोप राजनीति से प्रेरित बैराज मामले में हुई सत्य की जीत, ये हमारे अग्रवाल जी ने कहा है। तो ये क्या हुआ कि हीराकुंड बांध में जो महानदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो 82,432 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 71,424 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में ही है, जो कि लगभग 86% है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, या तो एटलीस्ट उसमें आ जाएगा कि एटलीस्ट ये पॉइंट याद करिए, 86% जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है, बट इसके बावजूद सिर्फ 25% जल मिलता है छत्तीसगढ़ को, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। फिर सेकंड है कि रेलवे और सेतु विकास निगम की मुन्नत ने ली रिपोर्ट, कहा समन्वय से करें काम। तो रेलवे और सेतु छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मंत्री राजेश मुन्नत ने अधिकारियों से कहा कि वे रेलवे के से समन्वय कर इन कार्यों को पूर्ण करें। तो ये सब छोड़िए, अब देखिए, बैठक में उरकुरा सरोना रेल मार्ग पर गोंदवारा सॉरी ओवरब्रिज का निर्माण एक, ठीक है, भाटापारा रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण तथा सिद्ध बाबा गेट रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण पर चर्चा दो, मुंबई हावड़ा रेल लाइन पर डूमर तालाब पर अंडरब्रिज का निर्माण तीन, बड़ौदा बाजार में हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर तिलदास में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण चार, उरकुना सरोना बाईपास लाइन गोगांव अंडरब्रिज पांच, दिल्ली राजहरा रेल मार्ग पर दुर्ग पास मार्ग छह, भिलाई रेणुका के अंडर ब्रिज बनने का जानकारी ली। देखिए, सात या छह हमारे अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज बन रहे हैं, नोट कर लो यार, काम आ सकता है। फिर देखिए, ये मैं क्यों ला रहा हूं, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें, बट इंपॉर्टेंट चीज है भी कि अमेरिका में क्या तूफान आया। अमेरिका में तूफान आया हार्वे तूफान, कहां पे आया, ये आया टेक्सास में। इसका कारण क्या है, ये बात की बात है, ये मेंस के समय पढ़ लेना, लेकिन अभी के एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी परिस्थिति में कौन सा तूफान आया जिसमें अमेरिका में काफी हानि हुई, या तो हार्वे तूफान अमेरिका के किस क्षेत्र में आया, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हार्वे तूफान और टेक्सास, ऐसे आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आराम से याद हो जाएगा। फिर ये लास्ट है आज का, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं। तो इसमें जिंगपिंग ने यह कहा है कि आतंकवाद पर समग्र नजरिया अपनाए सदस्य देश, और कल हम लोगों ने न्यूज पढ़ा कि चाइना ये बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो आतंकवाद की बात है आप लोग यहां पे आके ब्रिक्स के समिट में मत करो, लेकिन आज जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने ब्रिक्स देशों को सभी तरह के आतंकवाद से लड़ने के लिए समग्र नजरिया अपनाने की अपील की है। उन्होंने आतंकवाद के लक्षण और जड़ तक जाने को कहा, जिससे आतंकवादी को कहीं भी ठिकाना ना मिले, दैट मीन्स पाकिस्तान में जाओ। ठीक है, अब ब्रिक्स के 9वां शिखर सम्मेलन है, इसके तहत बिजनेस फोरम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात की। ब्रिक्स सबको पता है, ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका बाद में आया तो ब्रिक्स हो गया, और प्रधानमंत्री मोदी भी चीन पहुंचे हैं लगभग 73 दिन या 2-2.5 महीने बाद, वो जो डोकलाम का वो चीज़ है वो खत्म हुआ है। ठीक है, और चीन में क्या हो रहा है, वन बेल्ट वन रोड हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो रोड है पाकिस्तान जो कश्मीर से होकर जा रही है उसका भारत इससे हाथ छोड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आपको ये देखिए, 5 से 7 दिसंबर तक मोदी जो है म्यांमार का दौरा करेंगे, जहां पे कई सारे आपके समझौते होंगे। अब देखिए, इसमें क्या फायदा होता है कि इस दौरान वे म्यांमार के राष्ट्रपति यू हटिन क्वाओ क्याओ, ठीक है, तो इनसे मिलेंगे, आंग सान सू की मंत्रियों की से मुलाकात करेंगे। तो कितना है, हमको थोड़ा बहुत मिल रहा है ना कि कौन कहाँ का राष्ट्रपति है ऐसे करके। फिर वही भारत सुरक्षा आतंकवाद ये सब ऊर्जा ये सब में बात तो होता ही रहता है। सो गाइस, दिस इज इट। इसमें से आपको क्या मिला, आपको आज पता चला मंत्रिमंडल, उसमें पता चला क्या पढ़ना है, फिर पता चला हार्वे, इसमें पता चला कैसे याद करना है, फिर आया आपका अंबेडकर अस्पताल, उसमें पता चला कि कितने 30% लोगों को आपके हार्ट में अगर खून जम जाए तो उससे उनको लकवा मार जाता है। ठीक है, फिर कैसे अभी डॉक्टर ने इलाज किया, उनके दाएं पैर के नस से लेके उसने हार्ट तक वो मशीन डाली, ये पता चल गया। देन आपको ये पता चला कि रक्षा मंत्री अब है पहली बार महिला है, उनके पहले जो महिला थी वो इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने रक्षा मंत्री का भार संभाला था, 35 साल बाद नई रक्षा मंत्री हैं जो कि महिला हैं। पहली बार 66% जो है वो कैबिनेट में जो महिलाओं का दर है, जिसमें से 11 महिलाएं आपकी 9 महिलाएं हैं, जिसमें से 6 जो है वो आपके मंत्रिमंडल में और 3 जो है वो राज्य मंत्रियां हैं। ओके, फिर पता चला प्रभु को वाणिज्य मिल गया है, और अब राजीव गोयल को क्या बोलते हैं आपका
रेलवे मिल गया है, ठीक है। फिर गंगा जो है वो कई बार आ जाएगा आपका ऑप्शन की उमा भारती, आप बोलेगा उमा भारती है, लेकिन नहीं, अब वो नितिन गडकरी को मिल चुका है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उनको मिल गया है खेल उद्योग। और अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो नए नए आपके विजन आईएएस के मैंने लिंक है, जो उन्होंने जो पीडीएफ डाला था उसको मैंने आपको डाल दिया है, तो आप लोग बस उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें से। और गाइस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए और मुझे बताइए अगर आपको कोई और बुक्स भी चाहिए तो मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि मैं आपको बुक्स डिपो में जाकर आप चेक कर सकते हैं, तो अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑनलाइन के लिए तो मैं आपको लिए सर्च कर दूंगा, चाहे वो अमेजोन में मिले, फ्लिपकार्ट में मिले या कोई नया साइट में मिले, आई विल चेक फॉर यू, ठीक है। अगर आपको बुक पढ़ना है तो आपको पता है कि बुक पढ़ने का मैंने ट्रिक बताया आपको, अगर आपको फ्री में बुक पढ़ना है तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, बिकॉज देन ओनली यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को पता चल गया तो आपको मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए। आपको कोई भी बुक अगर पढ़नी है तो मैं बता दूंगा कैसे आप उसको लेके पढ़ के वापस कर सकते हैं। तो गाइस जल्दी जल्दी बोला बट इतना ही था, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट, देन ओनली आई कैन गेट टू नो कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, एंड एटलीस्ट लाइक कर दो यार, पता चल जाता है कितने लोग कर रहे हैं। दैट्स इट, सो गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय।